है 45 नंबर का क्वेश्चन है काइनेमेटिक चैप्टर का, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है कि वन मैन इज सिटिंग ऑन द शोर ऑफ ए रिवर एंड ही इज इन द लाइन ऑफ 1 मीटर लॉन्ग बोर्ड। तो आपकी 1 मीटर लॉन्ग बोर्ड बना लो यहाँ पर, ठीक है। ये 1 मीटर लॉन्ग बोट है और कह रहा है कि मैन इज सिटिंग 5.5 मीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बोट। तो सेंटर ऑफ द बोट से 5.5 मीटर है, ठीक है ना। सेंटर ऑफ बोट ये हो गया 0.5 मीटर, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 5 मीटर हो जाएगी, ठीक है। और 5.1 माइनस 0.5 और 5.1 प्लस 0.5, तो ये आपकी 6 मीटर यहां से हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब ये जो मैन है इससे एक कॉर्नर यहाँ पर 5 मीटर दूर है, दूसरा कॉर्नर इस मैन से 6 मीटर दूर है, और इसको ऐसे प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट करनी है यहाँ से, ठीक है, यही कह रहा है। और यहाँ पे कितनी स्पीड से फेंक सकता है वो गिवेन है आपको, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट कर सकता है। मिनिमम एंड मैक्सिमम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर द सक्सेसफुल शॉट। तो आपको रेंज का फार्मूला पता है क्या, जब ये प्रोजेक्ट करेगा तो कितनी दूर जाके गिरेगा ये पार्टिकल। तो रेंज का फार्मूला हमने याद करा था सबने, यू स्क्वायर साइन 2θg होता है, ठीक है। तो एक बार इसका प्लॉट बनाए तो कैसा आएगा प्लॉट इसका, आर और थीटा का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, वैसे भी ध्यान रखना है, किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है। साइन थीटा का प्लॉट है, अगर 11th वाले बच्चों को अभी नहीं आता है तो धीरे धीरे मैथ में सीख जाएंगे। साइन थीटा का प्लॉट ऐसा आता है, ठीक है ना, इस तरह का होता है। तो ये रेंज हो जाएगी आपकी, ये थीटा हो जाएगा। तो एक एक करके निकालो, देखो जैसे 5 मीटर अगर रेंज है तो उसके लिए प्रोजेक्शन एंगल निकालते हैं अपन कितना होगा, ठीक है। 5 मीटर रेंज के लिए तो आर की जगह वैल्यू रखो 5, प्रोजेक्शन कितनी स्पीड से फेंक सकता है 10 स्क्वायर, ठीक है। जी की वैल्यू भी 10 ले लूंगा मैं, जी भी यहाँ पर 10 ले रहे हैं अपन, तो ये 10 ले लो। तो देखो साइन 2θ कितना आ गया आपका, साइन 2θ आ जाएगा 1/2, तो 2θ आ गया आपका 30 डिग्री, तो ये थीटा कितना आया 15 डिग्री आया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो रेंज की वैल्यू कहीं 5 मीटर होगी कुछ इस तरह से, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम रेंज कितनी होगी इसकी, यू स्क्वायर बाई जी। तो मैक्सिमम रेंज आ रही है देखो 10 मीटर आ रही है मैक्सिमम, ठीक है ना। तो 10 में हमको वो थीटा की रेंज निकालनी है जिससे कि ये 5 से 6 मीटर तक इसकी रेंज आ जाए, वो थीटा की रेंज हमको चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप लिख भी सकते हो मैक्सिमम रेंज पॉसिबल है जब साइन 2θ 1 होगा यू स्क्वायर बाई जी, ठीक है ना। इससे ज्यादा दूर तो फेंक ही नहीं सकता है इतनी स्पीड से 10 मीटर पर सेकेंड, तो 10 स्क्वायर अपॉन 10 कितना आ गया 10 मीटर। तो ये कुछ 10 मीटर होगा, यहाँ पर कुछ 10 मीटर होगा, तो ये कहाँ पर होगा आपका जो 5 मीटर के लिए आया है, कहीं यहाँ पर एंगल होगा बेटा ये, ठीक है ना। दिस इज 15 डिग्री एंगल एंड दिस इज द रेंज ऑफ 5 मीटर, ये है सिचुएशन। अब देखो 6 मीटर के लिए कितना एंगल होना चाहिए, एक बार वो निकालो 6 मीटर के लिए। तो 6 इज इक्वल टू u² sin 2θ / g, g की जगह फिर वही 10, ठीक है। तो साइन 2θ कितना आ गया यहाँ से आपका 3/5 आ जाएगा, 6/10 आके, तो 2θ आ गया 37 डिग्री एंड थीटा हो गया आपका कितना हो गया 18.5 डिग्री हो जाएगा, 37 डिग्री / 2 18.5 डिग्री। तो ये जो 6 में, ये तो आपका 10 मीटर है, यहाँ पर कहीं 6 मीटर आ रहा होगा इस तरह से, ठीक है ना। तो यहाँ पर कहीं एंगल होगा, बट ये हमको पता है बेटा रेंज सेम दो एंगल पर होती है। देखो ये एंगल कितना आ गया आपका 18.5 डिग्री आ गया, ठीक है। तो इन दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल डायरेक्टली याद है आपको, तो थीटा और पाई बाई टू माइनस थीटा पर रेंजेस सेम होती है बोलो। तो 15 डिग्री के कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाला एंगल कितना आएगा, 90 माइनस 15, ठीक है। तो निकालो 19 माइनस 15 कितना आ गया, 75 डिग्री आ गया। तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 75 डिग्री का, और ये किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है 18.5 के, तो 19 माइनस 18.5 ये कितना होगा आपका 71.5 डिग्री हो जाएगा। तो ये है 17.5 डिग्री, देखो ये सिचुएशन है। तो काम की जिससे कि ये बोट के अंदर गिर जाए प्रोजेक्टाइल, तो ये रेंज है इससे यहां तक 5 से लेकर 6 के बीच में, एक तो यहाँ पर, तो एंगल की रेंज कहाँ आ रही है, ये आ रही है देखो, ये काम की है आपके। अगर एंगल इस रेंज में रहेगा आपका 15 से 18.5 तक,
तो ये 5 से 6 के बीच ही गिरेगा, या फिर इधर है देखो 71.5 से 75 डिग्री। तो इस तरह से दो रेंज आ रही है, एक तो रेंज यहाँ पर है, कई बार गलती हो जाती है, आप केवल यही मेंशन कर देते हो, ठीक है ना, ये सिंपल फार्मूला लगा के कि 5 पर इतना है 6 पर इतना है, तो 5 और 6 के बीच में आएगा तो एंगल इनके बीच होना चाहिए। बट ये भी तो देखो, आपको ये तो पता ही है कि थीटा और पाई बाई 2 - थीटा पर रेंज सेम होती, ठीक है। तो ऐसे प्रॉब्लम का सबसे बढ़िया तरीका, अब ये प्लॉट बना के चेक कर लिया करो, उस पर देख लिया करो, 5 रेंज के लिए आ रहा है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरा एंगल यहाँ है, 6 रेंज के लिए निकलेगा फार्मूले से तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ये है, तो 5 to 6 रेंज रहने के लिए, ये रेंज रहने के लिए, ठीक है। एंगल की रेंज कहाँ से कहाँ तक आ गई, एक तो आ गई आपका 15 to 18.5 डिग्री, क्लियर है, एक तो हो गया 15 to 18.5 डिग्री, इसके बीच एंगल रहेगा तो बोट में गिरेगा, या फिर एंगल किस रेंज में रहना चाहिए, 71.5 डिग्री to 75 डिग्री के बीच एंगल रहेगा तो भी ये बोट में गिरेगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ठीक है, सिंपल से इस प्लॉट एनालिसिस पर बेस्ड है, और इतना आप ध्यान रखें रेंज हमेशा दो एंगल पर सेम रेंज होती है, थीटा एंड पाई बाई 2 - थीटा। कोई डाउट किसी बच्चे को इस प्रॉब्लम में तो पूछ सकता है वो।